हिमाचल की तमाम बाकी खबरें आपको दिखाते हैं हिमाचल राउंडअप में। इस साल की बरसात बादल नदी के दोनों पुलों पर भारी पड़ सकती है। बरसात से बालद नदी पूरी तरह से उफान पर है और अगर बारिश और भी तेज होती है तो बालद नदी के दोनों पुलों के लिए खतरा भी बन सकती है। कानपुर की डिटर्जेंट पाउडर और साबुन बनाने वाली टीम ने बद्दी की दुकानों में छापेमारी की, जहां उन्होंने दुकानों से डुप्लीकेट डिटर्जेंट पाउडर बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी। अपनी प्रेमिका से मिलने जम्मू कश्मीर से हिमाचल के पावटा साइड पहुंचे काशिक को लोगों ने बुरी तरह से पीट दिया, जिसके बाद पुलिस ने युवक को अपनी कस्टडी में लेकर उसके परिवार वालों को सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऊना पुलिस ने अवैध बिकने वाली शराब और ठेकों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई दुकान से अवैध शराब बरामद की। इसके बाद DSP अशोक वर्मा ने कहा कि भविष्य में ये अभियान चल रहा होगा। सोलन में नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने दो युवाओं के पास से 15.73 ग्राम हेरोइन बरामद किया। वहीं पुलिस ने मौके पर आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया और मामले की आगे की जांच शुरू कर दी। सुंदरनगर में एक युवक ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, जब पीड़ित परिजनों ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने परिवार के लोगों की भी पिटाई कर दी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।